फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारी यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। तो बारिश के मौसम में फ्रेंड बारिश नहीं हो रही है, काफ़ी सारी जो ज़मीन में हमारी जो धान जो लगाते हैं उसमें कई सारी दिक्कत आ रही है। तो फिर हम पानी जो कुएँ में से पानी हम निकाल रहे हैं, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। और 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, तो मिट्टी अभी सूखे नहीं है, गीली हुई है। और फिर बारिश नहीं हुई है तो ज़मीन में पानी ठीक से नहीं लगा हुआ है, इस वजह से बारिश होती तो अच्छा होता। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी जो धूप ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा पसीना भी हो रहा है। और बारिश के मौसम में तो बारिश ही होना चाहिए, एक टाइम तो होना चाहिए बारिश, क्योंकि जो हम ज़्यादातर बारिश सभी लोग तो बारिश में निर्भर तो लगा रहता है। बारिश होने से सारे सभी लोग जो फार्मर होते हैं जो भी हो अपने अपने काम करते हैं, और फार्मर तो ज़्यादा ही, क्योंकि बारिश होती है तो ज़्यादातर वो बारिश के पानी से कुछ फसल लगा पाए। इस वजह से तो बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है क्योंकि सूखा हुआ है। 2-3 दिन पहले हुआ था एक टाइम, 2-2.5 घंटे बारिश हुई थी। तो गर्मी में जानते हो तो आप, जितना बारिश होगी तो उतना मिट्टी जो पानी सूख लेगा। 2-3 दिन शायद बारिश होगी तो मिट्टी नहीं सूख पाएगी इतनी जल्दी, तो बारिश फिलहाल नहीं हो रही है। और अभी तो हम खेत में पानी जो कुएं से या केनाल के जो पानी होती है उसमें लगा रहे हैं। पानी की केनाल कितना देगा, थोड़ा पहले कम कम आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और बारिश जब होगी उस वजह से ज़्यादा आएगा पानी। और खाना खाने के बाद हम खेत में चलेंगे, वहाँ पर पानी जो लगा रहे हैं वहाँ पर खेतों में, और जुताई भी करेंगे साथ जाकर आए तो, नहीं तो नहीं। यहाँ पर देखिए कितने धूप ज़्यादा वगैरह हो गया है, बारिश हुई थी जो बोला था ये तभी गीला गीला हुआ था 2-3 दिन पहले, और अभी तो बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ धूप ही धूप हो रही है। बारिश के मौसम में ज़्यादातर हो रही है, गर्मी की मौसम की तरह ऐसा लग रहा है बारिश के मौसम में। तो खाना खाने के बाद चलेंगे हम, मैं खेत पर आ गए हैं। आकर देखिए जो पानी होती है केनाल की वो कम ही आ रहा है, हमारे जो इतने जो सारे खेतों में ये नहीं हो पाएगा सारा पानी, इसलिए बारिश का पानी होगा तो अच्छे से सारी ज़मीन पर लग जाएगा। इस वजह से देखिए पानी इतना थोड़ा थोड़ा सारे लोग लगा दिया है पानी जो अपने अपने ज़मीन में, और ज़मीन जुताई करेंगे थोड़ा थोड़ा। बारिश का पानी आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए सूखा, क्योंकि इधर पानी नहीं पहुँचा है, और यहाँ पर जो छोटा वाला जो हमारे खेतों तक जाता है वो है यहाँ पर जा रहा है। यहाँ से सारे फार्मर का जो ज़मीन है आसपास में वो इन पानी से अपने खेतों में लगाएगा पानी, उधर जो लगा रखा है हमने यहाँ पर, जिसका पानी हो जाएगा खेतों पर लगाने का ख़त्म हो जाएगा, वो अन्य फार्मर पानी लगा पाएंगे। इस वजह से जल्दी जल्दी सारे लोग लगा देंगे तो अच्छा ही होगा। अब और बारिश का पानी आएगी तो जल्दी से और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इतने पानी से हमारे सारे खेतों में तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि बारिश के पानी में से सारे फार्मर ज़्यादातर फसल लगाते हैं, और सभी बारिश का पानी से थोड़ा सा जो ज़्यादा कोई जो फार्म करते हैं जो लगाते हैं वही से आता है। और पानी तो ये कम ही आ रहा है, और यहाँ पर जो जुताई कर रहे हैं पानी थोड़ा सा वहाँ पर धान लगाएंगे, इस वजह से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सा जहाँ पर पानी दिख रहा है वहाँ पर फार्मर लोग वहाँ पर धान लगाएंगे। और इधर भी इधर जब पानी लग जाएगा वहाँ पर सारी जिधर दिख रही है उस तरफ से पानी पहुँच जाएगा, तो जब जुताई करेंगे और धान की
पौधा लगाएंगे। जो लाइन बाय लाइन हो रही है उधर, जो मशीन से धान की कटाई कर रही थी इस वजह से लाइन बाय लाइन हो रही है। और यहाँ पर जो पराली होती है वहाँ पर लगी हुई थी, तो वहाँ पर लाइन बाय लाइन हो गई है पराली, जो सारे जो नड़ा को कुछ ढक देगी, इस वजह से लाइन बाय लाइन हो गया है। और आसानी होगी, जो पानी थोड़ा सा भिगो देंगे तो जो आसानी से जो सड़ जाएगा और खाद में परिवर्तन हो जाएगा। इधर इधर में भी पानी सारी सारे ज़मीन में लगा दिया है। और जो धान की जो जो सूखी मतलब नहीं होती, ज़्यादातर सूखी नहीं होती, ऐसा हो जाता है ऊपर से जो अपना स्मॉल साइज जो उगाता है धान की छोटी छोटी, इससे धान नहीं होती। इसको जुताई करने से अच्छा होगा क्योंकि खाद में खाद होगा अगले फसल लगाने तक। और ये जो इसको यूरिया की कोई लागत, यूरिया भी नहीं डाल सकते अच्छे से, यूरिया का भी जो खाद में भी कर सकता है, इसको नहीं पुराना चाहिए। और पुराते तो है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिक सब मर जाते हैं जो ज़मीन में होते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये है, इसको अच्छे से जुताई करेंगे तो ज़्यादातर जो यूरिया की हमें डिमांड होती है वो रासायनिक होती है, ये ऑर्गेनिक होगी तो अच्छे से उर्वरक होगा। देखिए, और यहाँ पर पानी दोनों तरफ से ले रहे हैं पानी उधर तक। और जो सारे गाय हमारे जो चरने के लिए आते हैं खेतों में, जब यहाँ पर कुछ नहीं लगा होता है यहाँ पर चरते रहते हैं, और यहाँ पर चराने के लिए आए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। जब यहाँ पर लग जाएगा तो अब यहाँ पर नहीं आएंगे चराने के लिए, और दूसरे साइड में ले जाएंगे चराने के लिए। धूप भी हो रही है बारिश के मौसम में, और ये छोटे छोटे धान भी उग गए हैं सारे खेतों में। यहाँ पर पानी लगा दिया है उस वजह से, पहले तो था वो उग रहा था, अभी तो पानी लगा दिया है तो ज़्यादा इनको पानी मिल रही है। देखिए जो पानी कैसे आवाज़ भी आ रहा है, उधर से आ रहा है पानी, जो झरने टाइप उतना ही आ रहा है। जो झरने में जो होती है ना, जो पानी ऊपर से नीचे गिरती है उस टाइप के जो हो रहा है नज़ारा। और यहाँ पर पानी साइड में ले रहे हैं। अभी बारिश का पानी स्टार्ट हो गया है और थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है सारी जगह पे, और जो दर बारिश नहीं हो रही है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है बारिश, और हवा भी चल रहा है तो कुछ देर में जोरदार बारिश हो जाएगी। यहाँ पर हमारे हार्वेस्टरों में जितने भी टाइल्स लगे हैं वहाँ पर बारिश हो रही है तो आवाज़ आ रही है, और काफ़ी मेघ के बादल भी ढके हुए हैं चारों ओर से। बारिश ज़ोरदार होगी और हमें ज़रूरत भी है थोड़ा सा, अभी बारिश ज़्यादा हो रही है और कुछ टाइम में ज़्यादा और हो जाएगी तो हमारे खेत में भी अच्छे से लग जाएगा। और बारिश ना होने से देखिए कहाँ पर कितना सूखा सूखा भी हो गया है, और अभी उस टाइम तो बारिश हो रही है कि कितना बारिश हो रही है।
अच्छा है, हमारे खेतों में पानी लग जाएगा ये बारिश से, बारिश के पानी से हो जाएगा। और यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो गाय वगैरह ये जो चर रहे हैं हमारे गाय, पानी में भिगो रहे हैं, ये भी नहा रहे हैं और अच्छे से खा रहे हैं। यहाँ पर जो घास लगी है ना, यहाँ पर अच्छे से चर जो अच्छे से घास खा रहे हैं। अभी तो ज़्यादा हो रही है बारिश की पानी, अभी तो ज़्यादा बारिश पानी होगी तो अच्छा है, सारी 2-2.5 घंटे बारिश होगी तो अच्छा होगा। पूरे खेतों में बारिश के पानी से खेत भर जाएगा, भर इतना नहीं जाएगा कि जो ज़्यादा जो खेत में भर भर के हो जाएगा, इतना नहीं, जितना होना चाहिए हमें जो ज़रूरत थी उतना हो जाए तो काफ़ी है। बारिश हुई थी, देखिए यहाँ पर जो हमारे खेतों में पानी जितना कितना हो गया है, बारिश ये जितने लायक हो गया है। तो बारिश हुई थी जो खेत में जो हो गए हैं पानी, अभी जुताई करना अच्छा होगा पानी से, पानी के वजह से। और खेतों में तो अच्छे से पानी लग गया है, बारिश की पानी अच्छे से लग गया है, क्योंकि जब कुछ दिनों में जुताई भी हो जाएगा, पानी जब हुई इतना बारिश हुई थी तो हमें इतना उम्मीद करते थे कि बारिश हो और पानी हमारे खेतों में लग जाए तो हम जुताई कर देंगे, क्योंकि हम पानी बारिश की मौसम से जब हम जुताई नहीं करेंगे तो पानी हमें मिलना थोड़ी जो कठिन होगी। यहाँ पर देखिए बारिश कितना पानी जो सफ़ेद नहीं, इतना जो पानी जो काफ़ी सारे जो गंदे हो गए हैं, क्योंकि ये मिट्टी से फिसल कर आया है पानी, इस वजह से, नहीं तो बारिश का पानी है। कि हमारे खेतों में कितनी और नज़दीक से देख सकते हैं, बारिश के पानी से हो गया है अच्छे, और कल और परसों में जुताई कर देंगे सभी लोग, जितना पानी हो गया है इसमें जुताई कर धान के पौधा भी लग जाएगा, क्योंकि धान की पौधा अभी रेडी नहीं हुआ है और नहीं लगाया गया है अभी, जो धान की जो लगा जाता है जो सेट वगैरह वो भी नहीं लगाया गया है। ये अच्छा है क्योंकि अब पानी जितना धूप करेगा और पानी को सूख नहीं पाएगा जितना धूप करेगा, तो क्योंकि इतना पानी हो गया है और इसको सूरज भी नहीं सूखा देगा। नीचे पानी हमारे गाय वगैरह अच्छे से भीग गए हैं पानी, बारिश के पानी से। इनको रोज़ नहलाना पड़ता है क्योंकि इनको गर्मी में इनको इनकी जो बॉडी में ज़्यादातर गर्मी होती है, इस वजह से हम इनको नहलाते हैं। तो बारिश की पानी काफ़ी ठंडी होती है और उनको अच्छे से लग जाएगा तो ये कहीं भी नहीं जा पाएंगे, और ठंडी ठंडी बारिश की पानी से नहला देंगे। और बारिश के पानी से इनको देखिए काफ़ी नज़दीक से पानी अच्छे से उनको भिगा दिया है बारिश के पानी। अभी रात को बरसेगी तो अच्छा होगा, फिर बारिश जितना होगा हमें अच्छा ही होगा।